What's up, you guys? Welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about two beautiful girls film back new updates. Okay, so fans कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है cause कुछ लोग एक्ट्रेस बेकी की एक ड्राइंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही फन कर रहे थे. वो ड्राइंग जो बेकी ने कल इवेंट पर बनाई थी, इस ड्राइंग को लेकर कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं. और सोशल मीडिया पे बेकी ने ये फाउंड आउट की और अपनी ट्विटर अकाउंट पे ये चीज़ पोस्ट की, पीपल एक्सेल एट डिफरेंट थिंग्स. तो इसी वजह से फैंस बहुत गुस्सा है उन लोगों के लिए जो बेकी की इस ड्राइंग को लेकर फन कर रही है. तो अब देखते हैं इस चीज़ को लेकर फैंस क्या कहते हैं. तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कल कुछ फैंस को लेकर फिल्म बैके की एक प्राइवेट इवेंट थी एंड उन दोनों ने वो इवेंट ज्वाइन भी की थी. और उस इवेंट पर वो दोनों ही बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत ही फन गेम भी प्ले करते हैं. और वहाँ पे उन दोनों ने कुछ ड्राइंग भी की थी और जिसे लेकर ही लोग काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के बारे में बात कर रही है. तो इसी वजह से ही फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा है. तो बेकी ने इस चीज़ के बारे में एक मेंशन की कि जो एक्ट्रेस होते हैं वो अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाती है. एंड यस, वो मानती भी है कि उसकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश भी थी. तो इस चीज़ को लेकर ये कुछ लोग बेकी के बारे में बहुत ज़्यादा ही बैडली बात कर रही थी और इसी वजह से फैंस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है कॉज उन दोनों को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. और जैसे कि मैंने पहले बताया, बेकी ने इस चीज़ को नोटिस की और इसी वजह से उसने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे वो चीज़ पब्लिश की थी. एंड ऑल्सो फ्रीन और बेकी की ड्राइंग को लेकर कंपेयरिंग भी की जा रही थी. तो बेसिकली ये याद रखना चाहिए कि दोनों अलग पर्सन है, दोनों की अलग सोच है. द गर्ल साइंस विद देयर ओन लाइट. एक दूसरे के साथ कंपेयरिंग करना इट्स रियली बैड. तो बेकी ने भी ये मेंशन की कि यस, दोनों की अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग्स है. एंड द अदर हैंड हम लोग देख सकते हैं बेकी पेरिस ट्रिप पे जाने वाली है एंड बेकी ने ऑलरेडी इस पेरिस ट्रिप की प्रिपेयरिंग कर चुकी है. एंड ऑल्सो यू कैन सी बेकी ने टॉप ब्रांड लॉरियल पेरिस के साथ फ़ोटोशूट की और उस फोटोज़ को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी की. तो पेरिस पर बहुत जल्द एक इवेंट होगी और बेकी चाहेगी इस इवेंट को अटेंड करने के लिए. तो उसके लिए बेस्ट विशेस है फॉर हर पेरिस ट्रिप. एंड द मोस्ट हाईलाइट न्यूज़, कल थाईलैंड मीडिया ने ये कंफर्म किया है कि फ्रेन और सैंग की कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो यह था मीडिया ने ये मेंशन किया है दैट बिटवीन द एक्टर फ्रेन एंड द एक्टर सिंह अ रिलेशनशिप डिड नॉट डेवलप. तो फैंस इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है और सोशल मीडिया पे इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर किया गया है. एंड रिसेंटली वी टीवी इवेंट पर सिंह आया था उसकी बेसिकली एक सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए. वहाँ पे फैंस और प्रेस वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए उसको कॉज फिन के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था. तो फैंस और प्रेस वाले का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था उसकी और फिन की रिलेशनशिप के बारे में कॉज इस चीज़ को लेकर उन दोनों ने उतनी क्लियरली कुछ भी नहीं बताई थी. तो फाइनली एक्टर सैंग ने फिन और उसकी रिलेशनशिप के बारे में आंसर दिया. उन्होंने कहा कि ना, वो दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर उतनी फोकस नहीं कर रही है, दोनों अभी पूरी फोकस कर रही है अपनी वर्किंग पर, उनकी करियर पर. और वो दोनों अभी ना ही कोई अपडेट कर रही है और ना ही उनकी रिलेशनशिप को लेकर कोई डेवलपमेंट कर रही है. देन बाद में प्रेस वाले ये भी कहता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में तो कोई क्लियरिटी नहीं है. तो सैंग उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में कहता है, इफ़ यू आस्क इट ऑफ कोर्स आई थिंक दैट आफ्टर व्हाट हैपेंड दिस मैटर वी रिव्यू एंड टॉक अबाउट दिस इम्पैक्ट. एंड दैट वाज जो सैंग ने कहा था. तो अभी उनकी रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं है, दोनों ही अपनी वर्किंग पर फोकस कर रही है एंड आई थिंक दैट इज़ बेटर ऑफ बोथ ऑफ देम.
ऑन द अदर साइड कल के इवेंट पर बेकी ने जो ड्रेस पहनी थी फैंस इसे लेकर भी बहुत कुछ बातें करती है। उन लोगों का कहना है कि बेकी खुद को कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही है, बट बेकी ने कहा कि वो कंफर्टेबल फील कर रही है एंड दैट वाज गुड। एंड सम फैंस आल्सो मेंशन दैट दे डिडंट लाइक दिस चेंज ऑफ क्लॉथ्स एंड वेल दैट वाज सम फैंस मेंशन ऑन सोशल मीडिया। तो वो बेकी है जिन्होंने ये क्लॉथ पहनी है, तो अगर वो कंफर्टेबल फील कर रही है तो अगर बैड लग रही है या फिर गुड लग रही है कंटिन्यू हमें सपोर्ट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन कुछ लोगों को अपनी बैड कमेंट्स करना बंद करना चाहिए। ओके, तो फिल्म बेकी को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करो। एंड या देयर इज अ वीडियो, आई होप कि आपको ये फिल्म बेकी की न्यू अपडेट्स अच्छी लगी है। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे फिल्म बेकी अपडेट्स को कवर की एंड आई फील रियली गुड, कुछ पुराने मेमोरीज वापस आ चुकी है। ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।